हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, अगर आपका कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आई हैव क्रिएटेड टेलीग्राम चैनल स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, या आपको जो भी मैं इन वीडियो में डिस्कस करती हूँ उसकी आपको एक पूरी पिक्चर मिल जाए ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें, तो आप इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है अभी रिसेंटली, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो उसका लिंक वगैरह जो भी होता है टेलीग्राम का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। और जो टेलीग्राम चैनल में आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो ऑर्थोगोनल सिस्टम है ये कहाँ पर पूछा जाता है, तो मैं आपको रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बता सकती हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। आपको पूछा जाता है बीएससी थर्ड ईयर में, पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड पेपर होता है, उसमें ये पूछा जाता है। इस टॉपिक के आने के चांसेस 90% होते हैं और बाकी जो 10% चांसेस होते हैं वो इस पे बेस्ड, इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन के आने के होते हैं। क्यों, पहले तो हम ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, एंड जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो क्या है कि टू कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर व्हेन दे आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्राइंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व क्या होते हैं, वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, व्हेन दे आर, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब जैसे एक दूसरे को टच करते हैं, एट राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उस पे, ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ऐसे जो कर्व होते हैं उन्हें हम ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं। फिर जो एक इसी पे बेस्ड है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, मैंने उनको देखा था, तो उसमें मुझे यही क्वेश्चन जो है, जब भी आपसे ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में पूछते हैं तो इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इससे अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन है वो ये, आपको ये इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है कि टू शो दैट इफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन द फैमिली ऑफ कर्व्स, जो फैमिली ऑफ कर्व्स ये है यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सी वन एंड वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सी टू फ्रॉम एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये आपको प्रूफ करना होता है। और इस क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट में वैसे तो ज़्यादातर पूछा गया है, प्रूफ में क्या है कि इफ w इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ जेड, तो ये तो हमें गिवन है कि इफ w इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ जेड है, देन एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई इज एनालिटिक्स, देन इट will satisfy Cauchy Riemann equation। ये एक मतलब स्टेटमेंट कह सकते हैं या एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फैक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो Cauchy Riemann equations को सेटिस्फाई करेगा, 100% सेटिस्फाई करता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं तो उनकी तो बात की बात है। तो यहाँ पे जो Cauchy Riemann equations होती हैं वो ये होती हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, दे रखा है यहाँ पे माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स फॉर द कर्व यू एक्स कॉमा वाई सी वन। हमें यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स में दो कर्व दे रखे थे, यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स की जब बात हो रही थी यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सी वन था एंड वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सी टू था। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाले कर्व के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर द कर्व यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सी वन, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो वो कैसे होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स होता है प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई होता है, और ये कांस्टेंट है तो जब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का तो वैसे भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, जब हम उस वाले टर्म को जीरो के उस साइड ले गए, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते थे ऑर्थोगोनल में एम वन एम टू एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वन, वही हमें प्रूव करना होता है एट द एंड, तो यहाँ से हमें m1 चाहिए होता है और नेक्स्ट स्टेप में हमें m2 मिल जाता है जब हम कर्व c2 के लिए फाइंड करते हैं। तो m1 से यहाँ से हमें डी वे अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स और अपॉन में हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली जैसे अभी हमने कर्व वन के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे दोबारा से पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं कर्व टू के लिए,
तो वो क्या है, वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी टू, इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। एंड यहाँ पे क्या है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम जीरो के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। और फिर यहाँ से हमें एम टू की वैल्यू चाहिए होगी, उधर हमने एम वन निकाला था, यहाँ पे हमें एम टू चाहिए तो एम टू हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स और अपॉन में डेल वी अपॉन डेल वाई। और नाउ हमें पता है कि m1 into m2 जो हमने पहला और दूसरा, या तो आप इसे इक्वेशन भी मान सकते हैं और ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि हमने लिख दिया ना ये m1 की वैल्यू ये है और यहाँ से m2 की वैल्यू ये हो गई है, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन यानी इनका प्रोडक्ट कर लेना है। जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो इनमें कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। और अभी हमने कॉची रीमन इक्वेशन पढ़ी थी, ये रही कॉची रीमन इक्वेशन जो कि अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो वही वाली इन्हीं कॉची रीमन इक्वेशन का हम यूज करें। तो जब हम इनका, और जो ये वाला टर्म है इसमें नहीं यूज़ करेंगे, आप किसी एक को ही चेंज कर लीजिए और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा पूरा का पूरा प्रूफ हो गया, बस यही हमें प्रूफ करके लाना था कि m1 into m2 is equals to minus 1। ऑर्थोगोनल तो हम पढ़ते आए हैं कि ऑर्थोगोनल फंक्शन जो होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, तो उनकी कंडीशन यही होती है कि m1 into m2 is equals to minus 1 हमें लेकर के आना होता है। सो बस ये इतना सा ही था, इसकी जो प्रूफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड, मतलब इसी का जो एप्लीकेशन है m1 into m2 is equals to minus 1 और इसी पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपसे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो वो आपका मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच।